Assalamu alaikum. So, first of all, thanks to Arzish and entire Future FutureFest team for inviting me here. So, I'm going to keep it in English and I'll do both, so it will be easy for all of us to understand. And this is going to be in a favor of Pakistan. So, day before yesterday, I got an opportunity to host a roundtable here at FutureFest. And we invited... Multiple ISP, CEOs, owners, directors, along with some government officials. And we said that people of Pakistan, they are facing some internet and connectivity-related issues. Government officials were like, "What are the biggest problems companies like you, like a managed network services, are facing?" simple words. <laughs> रिमोट एरियाज की कनेक्टिविटी में ग्रोथ नजर क्यों नहीं आती है जब वो डिस्कशन आगे चलता गया तो उस डिस्कशन को हमने इस तरफ मोल्ड करा कि क्या स्पीड टेस्ट जो अमेरिका में एक कंपनी है जो आपको स्पीड टेस्ट चेक करके बताती है क्या वो पाकिस्तान में इंटरनेट की क्वालिटी अश्योरेंस देने का वाइट जरिया रह गया सो नाउ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ This is Assam Sul Ahmad. I'm the founder and CEO of Spotcom. I had worked for Comcast Tammoda Cable in US. And I worked there for like three and a half years. When I was, when I was working for them back in 2016, I saw a very big, a big gap. What, how and where connectivity is being managed out there and what we are doing in our country. As I'm youngest CCN and CCNP from Pakistan.

जो है कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हमारे पास थे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा मुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी को आगे लेके क्यों नहीं बढ़ पा रहा देर इज़ जस्ट वन रीज़न एंड दैट वन रीज़न इज़ राइट ऑफ वे हमारी आई हमारी कंपनीज़ को राइट ऑफ वे टाइम पे नहीं मिलता और जब उन्हें राइट ऑफ वे मिल भी जाता है और जब एक आई इन्वेस्टमेंट करती है तो जब बारी आती है कि उन वो ये समझे कि वो इन्वेस्टमेंट कब रिकवर होगी सो so दे डोंट नो ऑल द मेजर आई एस पीज वर्किंग इन पाकिस्तान दे आर नॉट इवन डूइंग ब्रेक इवन दीज आर दिज विच ऐट फ्रॉम द राउंड टेबल विच आई होस्ट डे बिफोर यस्टर डे फिर जिस तरह मैंने आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करी के uh, क्या स्पीड टेस्ट एक वाइद इदारा रह गया जो हमारे मुल्क की इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्वालिटी को चेक करेगा नो no. पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता कुछ गवर्नमेंट बॉडीज यहां पर काम कर रही है आई डोंट आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन द नेम उन गवर्नमेंट बॉडीज़ का एक काम बनता है कि उस इंटरनेट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि इन आई को पता हो गया इनके कितने यूजर्स दर्द में और कितने यूजर्स आर गेटिंग यू नो अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर हमारे मुल्क में एक और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, प्रॉब्लम है बहुत बड़ा एंड दैट इज़ आई आर नॉट गेटिंग रेलिवेंट हार्डवेयर टू यूज़ आपने अक्सर सुना होगा जब आप किसी और, दुनिया के और किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं कि पाकिस्तान इज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इफ इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ टाइम पहले आप ये बताएं आप समय ई स्पोर्ट्स गेमिंग कौन करते किसी ने पबजी या फ्री फायर खेला है फ्री फायर या पबजी जो लोग खेलते हैं उनको एक बहुत अच्छे इंटरनेट की जरूरत है राइट एक ऑफिशियल टूर्नामेंट था हमारी टीम यहां से कर रही थी इंडियन टीम्स को जब वो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ जो प्लेयर्स हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे देवर गेटिंग नाइन्टी एंड हंड्रेड एम ऑफ पिंग और जो लोग इंडिया में बैठे हुए खेल रहे थे देवर गेटिंग ट्वेंटी और 18 एम ऑफ पिंग विच मीन्स के इंडिया में जो प्लेयर बैठा हुआ खेल रहा है उसके इंटरनेट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर सर्वाइव नहीं कर सके सो

फ्री फायर के मैनेजमेंट से जब हमने बात करी एंड एंड वी टोल्ड दम कि इंडिया में जो प्लेयर बैठा हुआ खेल रहा है ही इज गेटिंग क्वालिटी इंटरनेट विच इज़ लाइक एटीन ट्वेंटी एम और पाकिस्तान में जो टीम बैठी हुई खेल रही है दे आर गेटिंग एटी हंड्रेड वन फिफ्टी एम एस ऑफ पिंग सो हाउ वी कैन कम्पीट हमारी टीम्स किस तरीके से इंडियन प्लेयर्स को कम्पीट करेंगी जब ये जुमला मुझे मिला ना कि यूगा इस आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी देन वी वी टुक दैट चैलेंज एंड वी सैड ओके तो अब आपने सुना होगा कि ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहा है ऐसा नहीं है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे डॉलर और इन्फ्लेशन की वजह से जो हार्डवेयर पाकिस्तान आई एस पीज़ को रिक्वायर्ड है या मैनेज नेटवर्क सर्विसज कंपनीज को रिक्वायर्ड है वो हार्डवेयर नहीं मिल रहा सो दिस इज़ वाई दिस दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यू नो इन अग प्रॉब्लम आप इस इवेंट में बैठे हुए हैं आप में से मेजोरिटी एटी नाइन्टी परसेंट लोगों का थ्री जी फोर जी इवन बेसिक कॉल्स आर नॉट वर्किंग राइट बिकॉज वी आर टेन ईयर्स अड आप पूरी दुनिया में जितने भी बड़े इवेंट में बैठ जाए यो फोन इज द बेसिक नेसेसिटी और ऐसा नहीं है कि वो फोन सर्विसेज आप ना यूज कर सकें तो वी प्लान टू अरेंज मोर राउंड टेबल्स टू डिस्कस these type of problems with all the stakeholders and we hope inshallah time will come when pakistan will flourish will a bright infrastructure and connectivity thank you